गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो चुकी है, हम यहाँ भीर में रुके हुए थे, तो अभी बस नहा धो के तैयार हुए हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। थोड़ा आपको दिखाएंगे भीर बिलिंग के बारे में। एंड ये हमारा रूम था जहाँ हम अभी रुके हुए थे। हाँ भाई, हाँ, एंड देखो यहाँ से बड़ी प्यारी धूप आ रही है, वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे। तो अभी एक सामान मैं गाड़ी में भूल गया हूँ, तो अभी गाड़ी में जाऊँगा लेने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा भीर बिलिंग, पूरा एक्सप्लोर कराते हैं कैसा है। होटल से पूरा नहा धो के निकले हैं अभी, तो अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इधर आसपास कि क्या है क्या नहीं है, तो अभी आपको सामने लेके चलते हैं। तो अभी पहले तो ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि भूख बड़ी जोरों की लग रही है, क्योंकि पेट पूजा होने के बाद ही घूमने का अपना मज़ा आता है। तो अभी देखते हैं ब्रेकफास्ट का कहीं पर मिलता है अच्छा सा, फिर खाते हैं, उसके बाद फिर पूरा दिन यहीं पर ही गुजारेंगे, घूमेंगे। एक बार अभी सामने से आपको व्यू दिखा देते हैं, बस आने वाला होगा वो, देखो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। मौसम में पैराग्लाइडिंग काफी वैसा नहीं भाई, ठंड बहुत होगी। वो देखो हाँ, हम सामने आप देख सकते पूरे पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ जमा हो रखी है इस टाइम पे। वो जो आप देख रहे हो वो हमारा बिलिंग है ऊपर पहाड़ पे, एंड ये जो नीचे है ये हमारा भीर है, एंड यहाँ के लोकल्स इसको भीड़ बोलते हैं। आई गेस ये लैंडिंग पॉइंट है ना, ये लैंडिंग पॉइंट है। तो चलते हैं, अभी लैंडिंग पॉइंट भी आपको दिखा देते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बाइक्स भी खड़ी हैं जो कि आप रेंट भी कर सकते हो, इनको ये सारी रेंट के लिए अवेलेबल है। यहाँ का व्यू बड़ा सही है लैंडिंग पॉइंट का। ये देखो कितना सही व्यू आ रहा है सामने से, पूरा सामने पहाड़ी पहाड़ एंड पूरा प्लेन एरिया यहाँ पे। देखो आ रहा उधर से, वो देखो वहाँ से कहीं से वो आ रहा है पैराग्लाइडिंग, तो अभी कैमरे में पता नहीं दिख पा रहा होगा या नहीं, बट वो उधर बिल्कुल मेरी उंगली के वहाँ से आ रहा है, तो वही है बिलिंग अपना, बिलिंग अपना वही है जी भैया। हाँ भाई, नहीं कर रखी है यार हमने तो दोबारा आए थे ऐसे ही देखने। हाँ, तो अभी वो आएगा यहाँ पे नीचे, एंड ये हमारा पूरा लैंडिंग साइट है,
ये देखो काफी सारे यहाँ पे आगे रुक रहे हैं। धूप भी प्यारी लग रही होगी ऐसे में तो ठंड के टाइम पे। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद दिखाते हैं, क्योंकि अपना तो घूमना ही है आज का पूरा दिन। पहले अपना पेट पूजा हो जाए उसके बाद दोबारा यहाँ पे राउंड मारेंगे और ऊपर भी आपको लेके चलेंगे बिलिंग पे, तो वो भी आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके कैसा हमारा व्यू आता है। एंड यहाँ से देखो पूरा नीचे ही पहाड़ी पहाड़ ऐसा लगता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट अपना हो चुका है, कैसा था भाई? मज़ा आ गया भाई ब्रेकफास्ट में तो। मज़ा आ गया भाई, बढ़िया पराठे थे मक्खन के साथ, बढ़िया मज़ेदार हो गया और कॉफ़ी भी एक नंबर बनी थी। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे पैराग्लाइडिंग वाले घूम रहे हैं यहाँ ऊपर चील की तरह। ये चील भी है साथ में। तो अभी हम भी अभी करेंगे, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो अभी फटाफट नीचे चलते हैं गाड़ी के पास, तो एक बार यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ। वो अपनी नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो भाई चलते हैं यहाँ से अभी। तो भाई अपना पैराग्लाइडिंग का सीन बन चुका है, तो अभी पैराग्लाइडिंग करने के लिए हम जा रहे हैं ऊपर। तो नीचे हमारा वीर था, तो अभी बिलिंग पे जा रहे हैं, वहाँ से हम करेंगे टेक ऑफ। और भाई हमारे साथ है, भाई हमें नीचे लेकर आएंगे, आप ही लाओगे? जी जी। क्या नाम है भी आपका? मेरा सर आशीष ठाकुर। आशीष ठाकुर भी आपका? संदीप ठाकुर। संदीप ठाकुर, तो भाई ठाकुर भाई हैं अपने दोनों। तो वीर फटाफट अभी ऊपर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। काफ़ी सही व्यू है, बर्फ़ तो अभी है नहीं यहाँ पे, बर्फ़ आई थिंक दिसंबर में होती होगी, है ना? तो अभी फटाफट ऊपर चलते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ पे। तो भाई अभी आ चुके हैं टेक ऑफ साइट पे। तो अभी धूप ज़्यादा लग रही थी सामने से, तो मैंने चश्मा पहन लिया है। तो अभी यहाँ काफ़ी सारे हैं, आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारी टेक ऑफ साइट है एंड हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। तो आई थिंक पहले ये जाएंगे, उसके बाद फिर हमारी बारी है। हमारा यहाँ पे तैयार हो रहा है, तो किसी को पैराग्लाइडिंग करनी हो तो भैया से कांटेक्ट कर लेना, मैं नंबर डाल दूँगा आप भैया का, अपने ठाकुर ब्रदर्स। देखो व्यू देखो, एंड जो रात के टाइम है वो हम यहीं पे आगे रुकेंगे। वो नीचे रेड कलर के देख रहे हो आप, वो स्टेज वगैरह के लिए है, किसी को रात को स्टे करना हो तो। जो GoPro है ये हमें इसके साथ ही मिला है, मतलब वीडियो शूट इसी से होगी हमारी, इसकी यही का GoPro है। तो आगे की वीडियो इसी से शूट करूँगा, क्योंकि अपने वाला तो गिर भी सकते हो और ये वाला देख सकते हो आप, हमारा अटैच्ड है इसके साथ। तो बस अभी हमारा स्टार्ट होने वाली है, तो फिर करते हैं। ये देखो ये हमारा बैलून तैयार हो रहा है यहाँ पर।
उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंड थोड़ा बहुत तो देखो डर लगता ही है, बट ठीक है, डर भी ज़रूरी है। अच्छा चलो ठीक है, तो गाइस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। भक्त 1 2 3 चलो भागो 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 सर, भागो भागो। जूता मेरा ढीला हो गया थोड़ा सा, तो अभी उसको टाइट करूँगा वरना वो गिर जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, जूता जूता ठीक कर लूँ, बस भाई का जूता है। पीछे होके बैठो। ओके ओके भाई काफ़ी हाइट है, काफ़ी हाइट है ब्रो। सामने से एकदम से धूप, वाली वीडियो तो आपने देखी होगी आसमान की ऊंचाइयों में। जी, 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 सर, तो भाई वही आसमान की ऊंचाइयों में आ चुके हैं। ओ इसको पकड़ने की तो वो नहीं है ना यहाँ से पकड़। लास्ट टाइम तो बादल वगैरह भी थे ना, तो सही था। हाँ की वजह से ठंड भी काफ़ी कम है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ठंडी हवा बहुत है। टेबल बैठी नहीं है यहाँ पे, अंगूठा लगाना है। ठीक है, दोनों साइड, दोनों साइड, दूसरी साइड पुश करो, पुश करो, और ओके। हाँ अब थोड़ा सा लगा कंफर्टेबल। जी जी, तो अभी सीट एडजस्ट करी है, थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठे हैं पहले थोड़ा, तो अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, थोड़ा सा स्लाइड हो गया, पैर हल्के से ऊपर है। हाँ से जो व्यू है वो भाई गजब आ रहा है इस टाइम पे। कितने मिनट की होती भैया? 15 से 20 मिनट है। अच्छा, और कंडीशन अच्छी रहे तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा भाई। 15 से 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, आपका अगर पायलट अच्छा होगा तो वो थोड़ी देर करा देगा।
तो भाई अभी पैराग्लाइडिंग के बाद अपने कैंपिंग के लोकेशन पे आ चुके हैं। तो ये हमारे बड़े वाले टेंट हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम भी मिलता है। तो अभी तो रात हो रही है, सुबह उठ के आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी हुई है एंड यहाँ पे अपना बॉनफायर चल रहा है एंड ये हमारी टेबल चेयर वगैरह लगा रखी है यहाँ पे एंड इधर अपने टेंट से अभी अंधेरा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो लाइट जल रही है इनके पीछे अपना टेंट है एंड ये हमारी इनकी किचन वगैरह है, कुछ खाने के लिए ऑर्डर वगैरह करना हो तो। बाकी अभी अंधेरा है, आपको सुबह जैसी होती है सुबह का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो अभी यहीं पे बैठेंगे आराम से, कुछ घंटे चिल करेंगे, फिर उसके बाद अपना टेंट में जाके अपना सोएंगे, रेस्ट करेंगे। बाकी ठंड काफ़ी है यहाँ पे। ये हमारी एंट्री थी, यहाँ से अपन लोग अंदर लेके आए थे गाड़ी। तो सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है कि अपनी गाड़ी अपने बिल्कुल पास में है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी का हमें हमने दूर खड़ी करी है एंड आए हैं।